अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा उठाया गया एहतियातन कदम। जैसा कि बीते दिवस देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये जनता कर्फ्यू ये दिखाएगा कि भारत कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए किस हद तक तैयार है। देशवासियों की एकता, संयम व धैर्य से ही दुनिया के तमाम देशों को संकट में डाल चुकी इस महामारी से निपटा जा सकेगा। ये संकेत भी मिल रहे हैं कि ये जनता कर्फ्यू सिर्फ एक दिन के लिए लगाया जाएगा और उसके बाद हालात देखते हुए उसे काबू में रखने के लिए इसकी अवधि व आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। मुंबई व पूना, मेरठ जैसे बड़े शहरों में धारा 144 लगा दी गई है और जल्द ही देश के अन्य शहरों में भी एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। आज देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली मेट्रो को रविवार यानी जनता कर्फ्यू वाले दिन बंद कर दिया गया है। इस बीच बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर आइसोलेट कर दिया गया है। लंदन से लौटने के बाद प्लेबैक सिंगर के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने 3 पार्टियां अटेंड की हैं। इनमें तमाम बड़े अफसर, सांसद व मंत्री भी शामिल हुए हैं। अब ये सभी भी संदेह के दायरे में आ गए हैं, इन सभी की तलाश की जा रही है। इस बीच मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 4 शहरों को लॉकडाउन करने का फैसला किया है, यानी जरूरी दुकानों और सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और दफ्तर 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुंबई, पुणे, पिंपरी, नागपुर और MMR रीजन को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है। यहां जरूरी सामानों और सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 52 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक की मौत हो गई है। उत्तराखंड में अगले आदेश तक सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि जम्मू जिले में सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में सभी मॉल बंद कर दिए गए हैं। यहाँ इस बंद से जरूरी व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को फ्री रखा गया है। मेरठ में पुलिस ने जगह जगह माइक से घोषणा की है कि इस दौरान पैनिक ना किया जाए, साथ ही आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी ना की जाए। यदि ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर के बारे में बताया जा रहा है कि वो लंदन से 9 मार्च को वापस भारत आई हैं। एयरपोर्ट पर वो बिना जांच पड़ताल किए ग्राउंड स्टाफ की मदद से निकल भागी। इसके बाद लखनऊ पहुंचकर सिंगर ने 3 पार्टियां अटेंड की। इन पार्टियों में लखनऊ के तमाम ब्यूरोक्रेट्स, सांसद व मंत्री शामिल हुए थे। हालांकि प्लेबैक सिंगर ने एयरपोर्ट से भाग निकलने का खंडन करते हुए सवाल किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बिना जांच पड़ताल एयरपोर्ट से बाहर आ जाए। उन्होंने पार्टी अटेंड करने की बात से भी इनकार किया है। साथ ही कहा कि बुखार होने पर उन्होंने खुद CMO से संपर्क किया, अब उन्हें बेहद एकांत में कहीं रखा गया है। उनका ये भी आरोप है कि वहां उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये धमकी दी जा रही है कि वो बिना जांच पड़ताल एयरपोर्ट से निकल भागी है, जो गलत है। बता दें कि कनिका ने बेबी डॉल, जुगनी, चिट्टियां कलाइयां और देसी लुक जैसे तमाम सुपरहिट गाने गाए हैं। बता दें कि चीन के वुहान से निकले इस वायरस ने भले ही दुनिया को परेशानी में डाल रखा है, लेकिन अब चीन ने अपने यहाँ हालात सामान्य होने के बाद यातायात व्यवस्था को बहाल कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन में जब कोरोना का संक्रमण चरम पर था, चीन ने अपने यहाँ के 1119 एक्सप्रेस वे बंद कर दिए थे। उन्हें शनिवार से खोल दिया गया और यातायात सामान्य कर दिए गए हैं। चीन ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सबसे पहले लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, जिम, स्टेडियम, सड़क किनारे और अन्य जगहों पर अस्पताल बना दिए गए, मॉल्स, स्कूल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। अब आलम यह है कि चीन में कोरोना संक्रमण के मरीज सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, जबकि 14 मार्च तक चीन में 3,199 लोगों की मौत हो चुकी थी। आबादी के मद्देनजर चीन व भारत एक स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन जहां तक संसाधनों की बात है तो दोनों देशों की तुलना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि आने वाले कुछ सप्ताह वे महा खासे परेशानी वाले हो सकते हैं, लेकिन जैसा स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त जरूरत है धैर्य व संयम से एकजुटता दिखाने की, इस लड़ाई से लड़ने की और कोरोना वायरस को हराने की। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।